हेलो गुडमेंट एग्जाम आपका स्वागत है एनसीआर में जो भी एग्जामिनेशन हुए थे सारे इंक्लूमेंट ये लास्ट नोटिस है आप सभी के लिए अगर आपको कुछ भी इशू हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं जैसे आप देख सकते हैं ये 21 द्वारा जारी हुआ है पर जो ऑनलाइन दिखाएगी 23 ट्वेंटी थ्री को दिखा ठीक है वेबसाइट पे

ठीक है जो लोग अभी प्रोविजनली या फिर लिस्ट में भी है तो उनका अभी, भी मे बी फ्यूचर में हो सकता है कुछ ठीक है अगर कोई अगर कुछ एक प्रोविजनल पीरियड ऑफ टाइम में अगर कुछ छोड़ है तो मे बी है ना इजीधान में मे भी मैं बोल रहा हूँ इन्होंने खुद कहा है कि अगर नेसेसरी पड़ेगी कोई एक्शन के लिए तो वो लिस्ट जो उन्होंने भेज दी है ना सिलेक्टेड कैंडिडेट की और जो प्रोविजनल कैंडिडेट की उनकी ठीक है ना तो वो चीज आप विशेष ध्यान रखें अब वो किसी भी नोट अब जिन्होंने भी एंटरटेन नहीं किया मतलब कोई भी एम्स में जो भी कैंडिडेट है एम्स में नहीं पहुंचा है और उन्हें नहीं पहुंचे तो अपने डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं कर कराए तो उनका कैंडिडेट ऑलरेडी रिजेक्टेड हो चुका है ठीक है विदाउट एनी नोटिस और ये चीज मैंने आज जो इसका नोटिस आया था तो मैंने उसमें आपको बताया था कि अगर आप ए पर्टिकुलर पंद्रह दिन के अंदर के या फिर जो भी टाइम पीरियड आपको मेल के द्वारा मिलता है डीबी तो में आपके लिखा हुआ है उस डेट के अंदर, के अंदर के आप वहां एम्स में रिपोर्ट नहीं करते हो तो आपका कैंडिडेट ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा लेकिन अब तक मेरे ख्याल से लास्ट एम्स का जो अभी तक चल रहा होगा तो अभी तक चल रहा था आप जो भी अब तक आपके बाद कोई दिक्कत नहीं आप पहुंचे ना पहुंचे उससे कोई मतलब नहीं अब आपका कैंडिडेट कैंसिल हो चुका है ठीक है बहुत से लोग ऐसा होता है डॉक्यूमेंट वगैरह डॉक्यूमेंट के चक्कर में ही रुक जाते हैं ना बहुत से लोगों के डॉक्यूमेंट जैसे कि एज एजस्टेशन या फिर कह लो कोई भी कैटेगरी वाला सर्टिफिकेट कह लो या फिर और भी जैसे रीजनल सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन वगैरह जो होते हैं मेडिकल फील्ड में लगभग सारी जितनी पोस्ट होती है मैक्सम टेक्निकल पोस्ट होती है उस समय रजिस्ट्रेशन वगैरह उनके ऑर्गेनाइजेशन से होता है तो वो नहीं होते या फिर उसमें डिले हो रहा होता है उनका सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो उस वजह से व्यक्ति रुक जाता है और फेमेंट को रोक दिया जाता है तो वो सब चीजें जो अब हो चुका था जिनका हो चुका उनका हो चुका है जिनको ले लिया उनको ले लिया ठीक है आप जो सेकंड लिस्ट वाला था उनका एक बार को चांस है वो भी मेरे ख्याल से जो टॉप फाइव है वही केवल अपना चांस माने और वो भी कब होगा इसका कोई